CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम निपटारा कूड़े का। दोस्तों, कूड़ा सब जगह पाया जाता है, शहर, गांव, गली, मोहल्ला, घर या किसी कोने में कूड़ा आसानी से मिल जाता है। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां कूड़ा ना मिले। वैसे मुझे कूड़े का इंट्रोडक्शन यानी परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कूड़े को बच्चे बड़े सभी लोग जानते हैं। पहले लोग कूड़े पर कम ध्यान देते थे, लेकिन आजकल कूड़े ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हर जगह बस उसी की बातें चल रही हैं। जल्दी करो बेटा, पहले ही हम लेट हो रहे हैं और तुम इतना टाइम लगा रहे हो। हाँ माँ, बस चलते हैं। अरे ये क्या, तुमने ये छिलका ऐसे ही फेंक दिया? उठाओ इसे, मैंने कितनी सफाई की है घर की, मुझे घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। ओ सॉरी माँ, वो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही फेंक दिया था। अच्छा तुम रुको, मैं ही फेंक देती। अरे रे रे, फेंक दिया ना कूड़े को सड़क पर। सफाई कर्मचारी तो अपना काम कर ही लेगा, लेकिन उसके लिए तो अब कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज का काम तो हो गया, अब कल तक कूड़ा सड़ेगा, गलेगा और मक्खियां पास आएंगी और फिर बीमारियां फैलाएंगी। अब मम्मी जी ने ये थोड़े ही सोचा था, और मम्मी जी ही क्यों, अक्सर बहुत से लोग ये बात समझते ही नहीं हैं, मगर आप तो समझदार हैं ना। एक बात कहूं, लोग कूड़े की बुराई करते हैं, कूड़े यानी गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये गंदगी फैलाता कौन है? हाँ वो तो है। अरे अरे संभल के, अरे देखो नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है। होए होए होए, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो मेरा इस पर पैर पड़ जाता। यानी आजकल लोगों को क्या हो गया है, सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं। ये क्या, आपने भी ये पैकेट यहीं फेंक दिया? काश आपने कूड़े को सही जगह पहुंचाया होता तो आज ये कूड़े का ढेर नहीं होता, नहीं इतनी बीमारियां फैलती और नहीं लोग कूड़े को बुरा भला कह रहे होते। साथियों, अच्छा लगता है ना जब साफ सफाई होती है, कूड़े को कूड़े के घर यानी कूड़ेदान तक पहुंचाया जाता है। कूड़ा कूड़ेदान तक तो पहुंच गया, लेकिन ये उसकी आखिरी मंजिल नहीं है, यहां से शुरू होता है उसका आगे का सफर। भैया कल आप कूड़ा लेकर ही नहीं गए। मैम साहब, आप यहाँ नई आई हैं शायद, इसलिए आपको पता नहीं है, यहाँ गीला कूड़ा अलग कूड़ेदान में और सूखा कूड़ा अलग कूड़ेदान में रखा जाता है। अच्छा, मैं समझी नहीं, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा मतलब? बताता हूँ मैम साहब, गीला कूड़ा यानी सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, फल फूल पत्ती आदि, और सूखा कूड़ा प्लास्टिक, पेपर, कपड़ा, कांच और धातु अलग अलग कूड़ेदान में रखे जाते हैं मैम साहब। अच्छा? जी, जिससे कूड़े को सही से इस्तेमाल किया जा सके। अरे भैया, कूड़े को भला कौन इस्तेमाल करता है, कूड़ा तो कूड़ा होता है। अरे मैम साहब, इसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए,
गीला कूड़ा जैविक खाद होता है। इसे खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। जिस खाद से हमारी फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। अच्छा। और सूखे कूड़े को भी रिसाइकल करके दोबारा किसी और काम में लाया जा सकता है। जैसे? जैसे पेपर को हम हाथ से बनी हुई चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ सूखा कूड़ा जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक को सही से नष्ट ना किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ये जमीन को अनुपजाऊ बना सकता है जी। और पानी में मिल जाए तो पानी को भी विषैला बना सकता है। लंबे समय तक दबे रहने पर ये वायु को दूषित कर सकता है। जी मैम साहब, क्योंकि उससे विषैली गैस निकलती है। अरे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। कल से मैं दोनों कूड़े यानी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में रखूंगी। जी मैम साहब, ये हुई ना बात। तो दोस्तों, इसके बाद कूड़ा खेतों में पहुंचता है और खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अच्छी फसल उगती है, आपको हरी भरी सब्जियां खाने को मिलती हैं। बस हमें इतना सा ध्यान देने की जरूरत है कि कूड़े को खुली जगह, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर न डालकर कूड़े घर या कूड़ेदान में ही डालेंगे। इस तरह से कूड़े का सही तरह से निपटारा भी हो जाएगा और उसका सही उपयोग भी। कूड़े को हम इधर उधर फेंकेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, वह चाहे दुर्घटना के रूप में हो या बीमारी के रूप में हो। निपटारा कूड़े का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। कलाकार कीमती आनंद, शमाइला परवेज, संदीप भट्ट और अंजलि। बाल कलाकार हर्षित। विशेष परामर्श अजीत होरो। आलेख ध्वनि संपादन निर्माण एवं निर्देशन बिमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।